जय भोलेनाथ। सावन की पहली सोमवारी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो आज के इस करेंट अफेयर्स में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। ये जो करेंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं, ये फूल पत्ती वाली जो है मैगजीन, इससे पूरा कर रहे हैं। इसका जो टॉप 500 जो क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव, उसको एक ही वीडियो में पूरा करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो करेंट अफेयर्स नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सर्च कीजिए, मिल जाएगा। इससे पहले जो है पेज नंबर 15 तक पूरा करा चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नोटिफिकेशन बटन जो है उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि पता चलते रहे आप लोग को। इससे पहले इसका 2 क्लास हम पूरा करा चुके हैं 500 के अलावे। तो आज का जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री, क्या नाम है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, तो उत्तराखंड के देवस्थल में क्या किए, तो एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का क्या किए हैं, तो ये उद्घाटन किए हैं। अगर पूछा जाए यहाँ जितेंद्र सिंह का नाम आ रहा है तो परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विज्ञान के ये राज्य मंत्री है, ठीक है, याद रख सकते हैं। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के भी ये क्या है, तो राज्य मंत्री है, कौन, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये क्या किए हैं, तो उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर जो अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसका उद्घाटन किया है। कहा जा रहा है कि यह टेलीस्कोप आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज देवस्थल, जो कहाँ है, तो देवस्थल में है, नैनीताल जिला उत्तराखंड राज्य में स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किया गया है। तो ये कितना ऊंचाई पर है, तो 2450 मीटर की ऊंचाई पर इसे स्थित किया गया है, ठीक है, यहाँ से समझ आ गया। लेकिन यह भी ये क्लियर नहीं हुआ कि इसका जो किया गया है किस कार्य के लिए किया गया हुआ है। तो देखिए हिमालय में जो 2450 मीटर यहाँ ऊंचाई दिया जा रहा है, तो यहाँ से जो ILMT यानी कि इंटरनेशनल जो ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, तो क्षुद्र ग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबा और अन्य जो खगोलीय पिंड है उस सब का क्या किया जाएगा, तो अध्ययन किया जाएगा। तो ये उत्तराखंड के देवस्थल में याद रख सकते हैं। भारत का पहला आग प्रतिरोधी BIS लाइसेंस, आगे का जो पॉइंट है, भारत का पहला आग प्रतिरोधी BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का पूरा नाम हो जाता है लाइसेंस। ये किसे दिया गया है, तो जिंदल स्टील को दिया गया है। बस आपको इतना ही पूछा जाएगा, याद रखिए जिंदल स्टील को मिला है, जो कैसा है, तो आग प्रतिरोधी है। और इसका जो नया जो है इसका नाम एक याद रखिएगा BIS 15-103 ग्रेड, इसका उपयोग इसमें किया जा रहा है। बस इतना याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, जिंदल स्टील याद रखिए और BIS 15-103 नाम याद रख सकते हैं। आगे का जो पॉइंट है, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ग्रीन पोर्ट और शिपिंग, ये कहाँ किया गया है, तो सर्वानंद सोनेवाल जो है क्या है, तो नौवहन और जलमार्ग मंत्री है केंद्रीय, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में, यह नाम पूरा याद रखिएगा, कहाँ, तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट और शिपिंग का उद्घाटन किया है, तो कहाँ, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। इसका क्या उद्देश्य है, देखिए ग्रीन पोर्ट इसका उद्देश्य है कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है पर्यावरण को ध्यान में रख करके, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से ये ग्रीन पोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय क्या है, तो उत्कृष्टता केंद्र है। इसके तहत 2030 तक भारत का क्या लक्ष्य है, तो 2030 तक भारत को ग्रीन जहाज़ों के निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद ध्यान दीजिएगा 2030। आगे का जो पॉइंट है, एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल एविएशन काउंसिल के द्वारा हवाई अड्डों पर कार्बन प्रबंधन के लिए, यानी कि अब हवाई अड्डे, यहाँ वो जो देखे थे हम लोग जलमार्ग के बारे में देखे थे, अभी जो है ये हवाई अड्डे के बारे में दिया जा रहा है। इसका भी वही लक्ष्य है कि CO2 उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। तो इसके में सबसे अच्छा जो दिया गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो दिल्ली है मुंबई को, यह समय उच्चतम स्तर 4+ का इसको टैग प्रदान किया गया है। इसे तो इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ, तो दिल्ली, और मुंबई में जो है मुंबई को, इसमें दोनों को प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति निलयम जो भवन है, इसका आगे का जो पॉइंट है, 22 मार्च 2023 को, 22 मार्च 2023 याद आ रहा है क्या होता है, तो बिहार अपना स्थापना दिवस, बिहार दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट डे है, इसको याद रख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या, तो सिकंदराबाद के
बोलाराम यानी कि तेलंगाना में क्या किया, ऐतिहासिक जो राष्ट्रपति नीलियम है इसको क्या की, तो जनता के लिए खोल दी। यह पहली बार है जब इस हेरिटेज बिल्डिंग को आम जनता के लिए खोला गया है। 160 वर्ष से अधिक पुरानी यानी कि ये जो राष्ट्रपति नीलियम जो भवन है कितना था, 160 वर्ष अधिक पुरानी विरासत संपत्ति को तेलुगु नववर्ष यानी कि 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, तो तेलुगु नववर्ष हम लोग देख रहे हैं। इसका नाम क्या है, तो उगादि के अवसर पर सामान्य जनता के लिए इसे क्या किया गया है, तो खोला गया है। आगे जो दिया जा रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो बन गया है, कौन बन गया है, तो मिस्र बन गया है। इसका नौवां सदस्य जो बन गया है मिस्र बना है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि कौन बना है, तो मिस्र। कहा जा रहा है कि अफ्रीकी अरब राष्ट्र जो है क्या नाम है, तो मिस्र। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। तब ये शामिल हुआ है, औपचारिक अधिघोषणा जो इसका हुआ 22 मार्च 2023 को किया गया। देख रहे हो विनोद, जो भी आ रहा है बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर ही आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारा 22 मार्च, इसलिए इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में यानी कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति आए हुए थे उस समय। इसके क्या किया था, तो ऐलान किया था सदस्य बनने का, क्या किया था, तो ऐलान किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक से इसका स्थापना कब, तो याद रखिए 15 जुलाई कितना, तो 2014 को, ठीक है। इसका नाम में ही आता है ब्रिक्स, तो इसमें 5 कंट्री तो नाम से ही आ जाएगा, BRICS, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसमें छठा जो देश बना हुआ था कौन शामिल हुआ था, उरुग्वे। और सातवां जो हुआ था UAE, आठवां बांग्लादेश, अब नौवां जो हो गया ये मिस्र शामिल हो गया। अगर इसका पूछा जाए अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रूसेफ है, ये महिला है, ठीक है। चलिए इधर का कंप्लीट हुआ, अब इसका राइट साइड देखा जाए, ये एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए थोड़ा। हाँ देखिए, इसमें एक और पॉइंट दिया गया है, आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अच्छा, इसमें दक्षिण अफ्रीका अगर याद भी नहीं रहे, तो देखिए आई जो होता है इंडिया लिखा, आई जो आता है कैसा लगता है, तो ये एक जैसा लगता है, तो 21वां जो है इंडिया का द्वारा किया गया था। इसके नाम का जो क्रम होता है इसी अनुसार होता है। अब देखिए, तो 21वां जो है ये भारत, 22वां चाइना, 23वां जो कर रहा है ये साउथ दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद में 24वां जो होगा ये फिर ब्राज़ील में हो जाएगा। ऐसे इसका क्रम याद रख सकते हैं। बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपेगोरा मूर्तियों का अनावरण किया गया है, कहाँ था, बेंगलुरु में। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राज विधान परिसर में भगवान बसवेश्वर जी और नाथ प्रभु कैंपेगोरा की मूर्तियों का क्या किए हैं, तो अनावरण किए हैं। बस आपसे यही पूछा जाएगा, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में याद रखिए। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के बीदर जिले में, इसके अलावा अब जो किए हैं यहाँ कर्नाटक का जो बीदर जिला है, गोरता मैदान में गोरता शहीद स्मारक पर 103 फीट ऊँचा तिरंगा फहराया। मतलब कि जो गोरता मैदान है इस पर गोरता शहीद के स्मारक पर 103 फीट ऊँचा तिरंगा किसके द्वारा, तो अमित शाह जी के द्वारा फहराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक का भी उद्घाटन किया गया। तो ये जो जगह है इम्पोर्टेंट है, गोरता जो है इसमें क्या हुआ था कि मई 1948 में, उस समय ये हैदराबाद के अधीन, ये क्षेत्र जो था हैदराबाद के अधीन था, तो यहाँ के जो शासक थे यहाँ के राजा के द्वारा, मतलब मान ली मात्र अढ़ाई फीट ऊंचाई पर मतलब तिरंगा फहराया गया था गोरता में। तो यहाँ का जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, इसने क्या किया कि 200 मतलब कि जो गोरता सैनिक थे, मतलब जो लोग थे उनका हत्या करवा दिया था। तो इसी के उपलक्ष्य में ये मतलब कि गोरता शहीद स्मारक पर क्या किए हैं, तो 103 फीट ऊंचा प्रतिमा बनाए, तिरंगा फहराए, सॉरी। और सरदार वल्लभ भाई, मतलब सरदार वल्लभ भाई का काफ़ी इसमें बड़ा योगदान था, क्योंकि एक डेट याद रखिए, 17 सितंबर कितना, तो 1948 को क्या किया गया था, तो हैदराबाद को मिलाया गया था भारत में। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा था। तो इसलिए इनके प्रतिमा का वहाँ पर स्मारक का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, तो अमित शाह जी के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे जो पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि ITU का दक्षिण एशिया का नया क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। तो यहाँ 22 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, यानी कि इसका जो हो जाता है ITU, देखा जाए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन हो जाएगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, याद रखिए, इसका जो नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किए हैं। बस इसका आपको जगह पूछा जाएगा कि ITU का जो दक्षिण एशिया में कहाँ है नया क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में। इसमें 6G प्रौद्योगिकी के लिए उचित वातावरण क्या होगा कि तैयार करने में मदद मिलेगा। इसका जो मुख्यालय कहा जा रहा है कि इसका जो मुख्यालय है ITU का जेनेवा में है, ये याद रख सकते हैं।
मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 या छत्तीसगढ़ विधानसभा में, मतलब 22 मार्च को, देखिए अभी 22 मार्च को ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 प्रस्तुत और क्या किया गया, तो पारित किया गया। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहां मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। महाराष्ट्र इसमें जो है पहला राज्य बन गया है, महाराष्ट्र इससे पहले पहला राज्य था। इस क्या होगा, तो इस कानून के तहत पत्रकार चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो या प्रिंट मीडिया के हो या पोर्टल के, जो दफ्तरों में काम करते हैं या जो गाँवों में काम करते हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा विधेयक के दायरे में लाया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा क्या की जा सके, तो प्रदान किया जा सके। आगे का जो पॉइंट है, प्राचीन मोती शहर की खोज। तो मार्च 2023 में पुरातत्वविदों ने फारस की खाड़ी में, ठीक है, एक नाम इसमें याद रखिएगा, सीनियाह द्वीप, फारस की खाड़ी में सबसे पुराना मोती शहर की खोज की घोषणा किया है। अगर पूछा जाए कहाँ, तो फारस की खाड़ी में। पुरातत्वविदों का कहना है कि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के, संयुक्त अरब यानी कि UAE के उत्तरी जो सेखडोम के सीनियाह द्वीप पर खाड़ी में सबसे पुराना मोती शहर मिला है। तो सीनियाह द्वीप अगर पूछा जाए UAE, मतलब UAE में है ये, और फारस की खाड़ी में, ठीक है। यह शहर जो है 6th century का है, यानी कि 6th शताब्दी का है, जो पूर्व इस्लामिक इतिहास को समेटे हुए है, यानी कि इतिहास से पूर्व इस्लामिक, मतलब कि इस्लाम से पहले का, ठीक है, ये मतलब कि क्या है, तो इतिहास समेटे हुए है। पुरातत्वविदों ने 1400 वर्ष पुराना एक यहाँ ईसाई जो है मठ का भी खोज किया है, 1400 वर्ष पुराना ईसाई मठ का भी यहाँ खोज किया गया है। यह पूर्व इस्लामिक ये सब है, तो ये सब कहाँ मिला है, तो UAE में मिला है। ऐसे में देखा जाए तो 570 बताए थे ना कि 570 AD में किनका जन्म हुआ था, तो मोहम्मद पैगम्बर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था, ठीक है, उससे भी ये पुराना है। इनका मक्का से मदीना कब यात्रा किए हुए थे बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, और इनका मृत्यु कब हुआ, मक्का से मदीना जो यात्रा किए थे, ये पूछा जाता है, और मृत्यु, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मक्का से मदीना जो यात्रा किए थे, याद रख सकते हैं, 24 सितंबर, कितना, 24 सितंबर 600 में, 622 AD को ये मक्का से मदीना की यात्रा किए हुए थे, और मृत्यु 8 जून 632 में हो गया था, ठीक है। और इनको कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में ही दफना दिया गया था। ये एक्स्ट्रा इसमें आ गया था, उसको बता दिए हैं। पांचवा बॉक्साइट CRM, ठीक है, पांचवा बॉक्साइट जो इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, पांचवा बॉक्साइट CRM। CRM क्या होता है, तो ये धातु के ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका क्या नाम है, तो नालको, इसका शॉर्ट में कहा जाता है नालको, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के सहयोग से इसका जो नाम है BARC B1201, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही नाम आपसे पूछा जाएगा, के रूप में बॉक्साइट के एक प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM सफलतापूर्वक क्या किया है, तो ये विकसित किया है। देखिए इसका जो उपयोग होता है, प्रयोगशाला का जो उपकरण होता है, इसमें जाँचने में, इसका गुणवत्ता परखने में, ऐसा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा, तो नालको के द्वारा, और बार्क जो है, यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर परमाणु अनुसंधान केंद्र, दोनों को मिलकर के सहयोग से किया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला है, भारत में यह पहला है, और विश्व का पांचवा CRM है। बार्क इसका जो नाम है, ये याद रखिएगा, B1201, ये नाम इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जा सकता है। औपचारिक रूप से 24 मार्च 2023 को क्या किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया। GI टैग, यहाँ से एक तो क्वेश्चन हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, तो सुंदराजा आम ये कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। गोविंदपुर के सुंदराजा आम हल्के सफ़ेद रंग के, और रीवा के आम का रंग हल्का हरा होता है। तो ये मत पूछा जाएगा आपसे, नहीं पूछा जाएगा किसका क्या रंग होता है, बस ये याद रखिए सुंदराजा आम कहाँ, तो मध्य प्रदेश। मुरैना की गजक जो है, ये कहाँ का है, इसका संबंध तो मध्य प्रदेश से है। गजक बनाना मुरैना का क्या है, तो ये प्रमुख उद्योग है, इसे गुड़ और तिल से बनाया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर इसमें अगर कोई पॉइंट है याद रखने वाला, तो गुड़ और तिल से इसे बनाया जाता है। कहाँ का, तो पूछा जा सकता है कि गुड़ और तिल से कहाँ के गजक बनाया जाता है, तो ये मुरैना का, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बसोहली चित्रकारी, ये जम्मू कश्मीर, याद रखिए, कठुआ जिले के विश्व प्रसिद्ध बसोहली चित्रकारी को जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र GI टैग प्राप्त हुआ है। लद्दाख जो वुड कार्विंग है, यह लद्दाख का जो वुड GI टैग इसे प्राप्त हुआ है। यह प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली जो है यह हस्तकला है, जो महत्व से निर्मित है ये।
इसमें लकड़ी की नक्काशी कर सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती है। इसमें लकड़ी से नक्काशी करके क्या किया जाता है, तो सुंदर कलाकृतियां बनाया जाता है। तो कहाँ का, तो वुड कार्विंग पूछा जाए तो लद्दाख का, उत्तर प्रदेश के GI टैग। तो उत्तर प्रदेश का चार जो है वाराणसी के चार, इसमें जो है यहाँ का पान हो गया, बनारस का लंगड़ा आम हो गया, रामनगर का भंता यानी कि बनारस का ही यह भंता बैगन हो गया, चंदौली के आदम चीनी, चावल को क्या मिला है, तो GI टैग मिला है। इसके अलावा जो और सात जो दिया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि सात इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का है, अलीगढ़ का ताला, बखरिया पीतल के बर्तन, मुजफ्फरनगर का गुड़, बंदा सजर का जो पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ का आंवला और हाथरस का हींग, ये सब का है, तो इसको शामिल किया गया है। तो हाथरस, हींग उत्तर प्रदेश, आंवला ये प्रतापगढ़, मिर्चा चावल बिहार, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिहार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, या BPSC हो या बिहार के एग्जाम हो, उसमें हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बिहार के पश्चिम चंपारण के मरचा चावल को कहाँ, बिहार का जो पश्चिम चंपारण है, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण जिला से संबंध, ठीक है, GI टैग मिला गया है। देखिए ये क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, तो इसमें एक ऑप्शन ये तो जरूर रहेगा कि ये मरचा जो है चावल ये क्या क्या है, एक तो ऑप्शन जरूर इसमें रहेगा कि ये मिर्चा की उन्नत किस्म है, और 20% स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो उसको लगा करके आएंगे, ठीक है, इसको ध्यान से, ये चावल है, इस चावल का आकार और स्वरूप जो है काली मिर्च जैसा होता है, इसलिए इसे मिर्चा या मरचा चावल भी कहा जाता है। इससे पहले कहा जा रहा है कि जो मिला हुआ था भागलपुर के जरदालू आम को, कतरनी चावल को, मगही पान को, शाही लीची को, मिथिला मखाना को, ये सबको बिहार में GI टैग प्राप्त हो चुका है। माता नी पछेरी ये गुजरात, याद रखिए माता नी पछेरी गुजरात, अहमदाबाद के कलाकारों के द्वारा संरक्षित एक अद्वितीय कला रूप माता नी पछेरी, जो देवी माँ को समर्पित क्या है, तो एक कपड़ा है को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। एक कपड़ा है जो गुजरात का है, यह गुजरात के उत्पादों के लिए 17वां GI टैग है, यह गुजरात का काम है, तो 17वां GI टैग हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग, तो इन 5 उत्पादों में डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर के कालीन, उज्जैन के बाटी की प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट का बरासिनी की साड़ी इसमें शामिल है। अब GI टैग वाले उत्पादों की संख्या कहाँ, तो मध्य प्रदेश में 19 हो गई है, गुजरात में 17। कम्बम अंगूर ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु के कम्बम पनीर थ्राशाई, जिसे कम्बम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है, को क्या किया गया है, तो GI टैग प्रदान किया गया है। वर्ष 2023-22-23 के GI टैग, मतलब कि वर्ष 2022-23 में किसे किसे GI टैग प्राप्त किया गया, उसका एक नज़र में देख लेते हैं। तो केरल के उत्पादों जिसमें अटापट्टी, अटाकोम्बू, आवारा, तो ये सब उसके केरल में नाम है, अगर केरल अगर जाना चाहते हैं तो इसको सीख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बस याद रखिए आवारा बीन्स, ठीक है। अटापट्टू थुवारा, थुवारा जो होगा रेड ग्राम, थुरा गया कहाँ, तो ग्राम में, गांव में आवारा था, उसके बाद में थुरा गया कहाँ, तो रेड ग्राम याद रख सकते हैं। ओंटा टुकड़ा एलू जो है, ये एलू जो है ये तिल है, उसके बाद में वाडाकाडा वेलू थुली जो है ये लहसुन है, उसके बाद में स्नैप मेलन, ये सब है, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ का है, तो केरल का, ये सब, तो बिहार के मिथिला मखाना, ये सब इसका नाम देखिए, इसका नाम जो किया जाता है एक्वाटिक फॉक्स नट, अगर पूछ दिया जाए इसे किसे कहा जाता है, तो एक्वाटिक फॉक्स नट मखाना का ये नाम है। महाराष्ट्र के अलीबाग का सफ़ेद प्याज, तेलंगाना का तेंदुर रेड ग्राम, लद्दाख का लद्दाख से कार्पो खुबानी, असम के गामोसा यानी कि गामोछा जो होता है असम का, उसे GI टैग प्रदान किया गया है। SPN ये सब भी देश का तो बात ही अलग है, यहाँ तो चावल उबल वगैरह ये सब बहुत कम, ये सब SPN ये सब में होता है, ये सब ब्रांडी ठंडा जगह है, तो ये सब ध्यान किस पर अधिक इसका रहता है, तो ब्रांडी डेल जेरेज और इटली के प्रावो लेने को, वालपादाना को क्या किया गया है, तो GI टैग मिला है। तो ब्रांडी कहाँ, तो SPN के। उसके आगे का जो टॉपिक है मन्ना मदुरई मिट्टी, यह कहाँ का है, तो यह तमिलनाडु का है, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तन को हाल ही में भौगोलिक टैग यानी कि GI टैग दिया गया है। मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तनों के लिए बैगाई नदी, इसका नाम याद रखिएगा, बैगाई नदी के मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो मन्ना मदुरई जो मिट्टी है तमिलनाडु का, इससे मतलब कि किस नदी का, तो बैगाई नदी का जो मिट्टी है इसका उपयोग किया जाता है। पेंशन सुधारों, राष्ट्रीय पेंशन सुधारों के लिए कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने समिति का गठन किया है, इसका जो अध्यक्ष है
टीवी स्वामीनाथन है, इसका जो वित्त सचिव इसके अध्यक्ष है, बस इतना नाम याद रखिए। इसके आगे कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था, राजस्थान सरकार के द्वारा। ऐसा कानून भारत का पहला राज्य बना है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को कानूनी अधिकार देता है। इसका विधेयक 22 सितंबर 2022 को राज्यसभा, जो राजस्थान का विधानसभा है, इसको पेश किया गया था। कब? तो 22 सितंबर 2022 को। 21 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में विधेयक को पारित किया गया। कब? तो 21 मार्च 2023 को ये विधेयक पारित हो गया। विधेयक को स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता वाली एक प्रवर समिति को भेजा गया था। अब जो कितना है इसमें, जो पहले जो इसमें यहाँ होता था 10 लाख रुपये का यहाँ जो था स्वास्थ्य बीमा, अब उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपये राजस्थान के द्वारा कर दिया गया है। विश्व एथलेटिक संघ, इसमें याद रखिए, विश्व एथलेटिक संघ के अध्यक्ष कोयल लुए ने कहा है कि कोई भी ट्रांसजेंडर जो होगा, मतलब कि उसे 31 मार्च, जो पुरुष यौवन से गुजरा है उसे 31 मार्च 2023 से महिला विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धा में क्या है तब भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो बस ये याद रखिए, किसे भाग नहीं लेने दिया जाएगा, तो ट्रांसजेंडर को। किसमें? तो महिला विश्व रैंकिंग जो प्रतियोगिता हो रहा है उसमें। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। फिनलैंड जो है ये नाटो का क्या है, 31वां सदस्य बन गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन महासचिव इसका अगर पूछा जाए तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, इस नाम महत्वपूर्ण है याद रखिएगा। तुर्की के सर्वसम्मत के वोट की बदौलत, मतलब कि तुर्की भी इस पर सम्मत हो गया, पहले नहीं था। तो फिनलैंड गठबंधन का जो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। जुलाई 2023 में लिथुआनिया में होने वाले शिखर सम्मेलन में फिनलैंड को अब औपचारिक रूप से नाटो में शामिल किया जाएगा। फिनलैंड को भी क्या किया जाएगा, तो इसमें शामिल किया अब कर लिया जाएगा। ये हो ही गया है 31वां सदस्य, ठीक है, जो जुलाई 2023 में हुआ था। ये कहाँ था? लिथुआनिया में। इसके अलावा ये देखिएगा कि इसमें स्वीडन ने भी अप्लाई किया था, लेकिन इसका जो है तुर्की और हंगरी के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। अगर पूछा जाए किन दो देशों के द्वारा, तो फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा, लेकिन स्वीडन को इसको अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा? तो तुर्की और हंगरी के द्वारा। जब सभी नाटो कंट्री जब इसमें जब सहमत होते हैं तो ही किसी अन्य देश को जो होता है इसको दिया जाता है। तो इसमें तुर्की और हंगरी इसमें लोचा डाल दिया। नाटो के बारे में कहा जा रहा है कि इसका 1949 में इसका गठन हुआ था। इसका जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। पूछा जाता है कि कैसा है, तो अंतर सरकारी सैन्य ये गठबंधन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सऊदी अरब SCO का नया संवाद भागीदार बना। सऊदी अरब सरकार ने चीन और रूस के वर्चस्व वाले, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो SCO के बारे में कहा जा रहा है कि चीन और रूस के वर्चस्व वाले क्षेत्रीय संगठन शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसके द्वारा? तो सऊदी अरब। इसका मतलब कि अब एक संवाद भागीदार बन जाएगा। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायलॉग पार्टनर का दर्जा हासिल करने के फैसले को सऊदी अरब के लिए एक अंतिम पूर्ण सदस्यता हासिल करने के दिशा में कदम माना जाता है। SCO का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो बीजिंग के चीन में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2001 में। इसका जो 9वां सदस्य बन गया है ईरान, इसका अस्थायी सदस्य बन गया है। 9वां जो बन गया है कौन बना है, तो ईरान बन गया है। इसमें चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया भी शामिल है इसमें, पाकिस्तान भी शामिल है। सबको 2017 में किया गया था शामिल, ठीक है, अस्थाना में जो आयोजित हुआ था उसमें किया गया था। हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव, तो अमेरिका का जॉर्जिया हिंदूफोबिया धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिका राज्य बन गया है। तो इसका याद रखिए, हिंदूफोबिया के खिलाफ जॉर्जिया, कहा जा रहा है कि हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म विश्व के सबसे बड़े और पुराने धर्मों में क्या है, तो एक है। तो इसको याद रखिए, कौन सा देश, तो हिंदूफोबिया का जो जॉर्जिया याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो करा रहे थे उसमें इस क्वेश्चन को देखने को मिला हुआ था। आगे कहा जा रहा है कि CPTPP समझौता ब्रिटेन, इसमें जो है सुन लीजिए सिर्फ एक बार, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर, इसका एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। इसमें एक बार और सुनिए, इसका CPTPP का जो हो गया कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। 31 मार्च 2023 को ब्रिटेन फ्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए इसमें दे दिया है, व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कौन? तो ऋषि सुनक इसे ब्रेग्जिट के बाद अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता कहा है।
टीपीपी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के चारों ओर अवस्थित 11 राष्ट्रों का एक व्यापार समझौता है। ये मतलब कितना राष्ट्रों का, 11 राष्ट्रों का है, जिसमें कनाडा है, मैक्सिको हो गया, पेरू हो गया, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान सदस्य है। यह दिसंबर 2021 में 18 में लागू हुआ था, सॉरी 2018 में। आगे का जो पॉइंट है, विश्व का तरल हाइड्रोजन संचालित नौका, विश्व का तरल संचालित जो हाइड्रोजन नौका है, नॉर्वे की कंपनी नॉर्लेड ने एमएफ हाइड्रा, इसमें नॉर्वे याद रखिए किसके द्वारा, तो नॉर्वे की कंपनी ने, यह कहाँ किया गया, तो नॉर्वे में किया गया है, विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन आधारित फेरी का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह जहाज हाइब्रिड है जो बैटरियों और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल का क्या करता है, तो उपयोग करती है। इसका लंबी कितना है, तो 82.4 मीटर लंबी यह नौका 300 यात्रियों और 80 वाहनों को क्या किया कर सकती है, तो ये ले जा सकती है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, इसमें से बस ये को याद रखिए, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, इसका भाग भाजपा के जयंत सिन्हा के नेतृत्व में वाली वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के विधेयक को समीक्षा की थी। एक सेकेंड, इसके आगे ह्यू एंड कराई नोटिस, ये मतलब कि था कि पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था कि भगोरे खालिस्तान समर्थक प्रचारक अमृतपाल सिंह के खिलाफ ह्यू एंड कराई का नोटिस जारी किया था। ये क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर संदिग्ध व्यक्ति को किसी जगह पर देखे, अगर वो भाग रहा है पुलिस से, तो उसको पकड़ने के लिए चिल्लाना पड़ता है इसमें। हालांकि वर्तमान में अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के क्या है, तो हिरासत में है। कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत मिल गया है, जीआई टैग। तो ये कांगड़ा चाय कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है, जिसे यूरोपीय यूनियन के द्वारा इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश। 22 मार्च 2023 को यूरोपियन संघ ने पीजीआई देने की अधिसूचना जारी की और 11 अप्रैल 2023 से ये क्या हो गया, तो ये लागू हो गया। ये कांगड़ा घाटी में उगाई जाने वाली कैलिमेनिया साइनेंसिस प्रजाति की, अगर पूछ दिया जाए कि इस प्रजाति की, तो कैलिमेनिया साइनेंसिस प्रजाति की पत्तियों, कलियों और कोमल पत्तनों से इसको बनाया जाता है। कीट पारिक समिति, केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर, किस पर, तो नेचुरल गैस पर, किसका, तो कीट पारिक समिति की सिफारिश के आधार पर पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमतों का समिति के लिए एक नया गैस मूल्य निर्धारण करने की मंजूरी दी है। तो ये नियमों का जो नया जो गैस मूल्य होगा, इसके जो नियम बनाया जाएगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा, तो कीट पारिक समिति के द्वारा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें यह कीमत प्रत्येक महीने दर भारत दर प्रत्येक महीने जिस दर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल से खरीदता है, उसकी 10% से अधिक नहीं होगी, लेकिन इसकी क्षमता जो होगा $4 से $6.5 प्रति यूनिट ही होगी। सरकार 2023 तक भारत को प्राथमिक ऊर्जा के मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.5% से बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य रखा है। कब, तो 2030 तक। प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में कितना, तभी जो मौजूदा जो अभी देखा जाए तो कितना है, तो 6.5%। इसका 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि 15% कर दिया जाए। रक्षा सहयोग समझौता, भारत और रोमानिया, किसके बीच, रोमानिया के उप रक्षा मंत्री सिमोना कोजोराकू ने भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमा ने बताए थे ना, गिरिधर अरमा ने रक्षा सचिव के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा समझौते पर क्या किया, तो हस्ताक्षर किए। इसके तहत साइबर रक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी और सैन्य चिकित्सा, साथ ही तकनीकी सैन्य मुद्दों पर जैसे द्विपक्षीय सहयोग पर क्या किया गया, तो हस्ताक्षर किया गया। संयुक्त राष्ट्र सहायक संगठन का सदस्य कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र, भारत को याद रखे, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और राष्ट्रीय एचआईवी एड्स कार्यक्रम समन्वयक बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण क्या है, तो ये निकाय है। एप्पल का पहला रिटेल स्टोर मुंबई में खोला गया, इसको याद रखिए, बस यही याद रखिए, एप्पल का पहला कहाँ है, तो मुंबई में खोला गया, और दूसरा जो पूछा जाए तो यह दिल्ली में खोला गया, सेकेंड जो रिटेल नई दिल्ली में खोला गया। एप्पल इंक भारत में नवीनतम आईफोन 14 का निर्माण करेगी, यानी आईफोन 14 का निर्माण करेगी, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़े लोग, बड़ी बात है, बड़े लोग के पास ही ये सब आईफोन होता है, तो ये सब बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ठीक है। इंटरनेशनल जो टॉपिक होता है, मुद्दा, इस सब पर कम ध्यान जाता है, लेकिन इनके पास जो होता है ऐसा क्वेश्चन, इस सब पर ध्यान दीजिए। पहला जो कहा जा रहा है तो मुंबई में, दूसरा नई दिल्ली में, और तीसरा जो इसमें आईफोन 14 का निर्माण किया जाएगा। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो है सूर्यांशु है, तो सौर ऊर्जा से संचालित हो गया, यानी कि सोलर से, तो सूर्यांशी या सूर्यांशी इसका नाम दिया गया है। इसका कहता है कि इनलैंड नेविगेशन केरल तट, मतलब कहाँ से किया गया, तो केरल से 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। यह नाव 3.95 करोड़ रुपये में श्रीलंका में बनाई गई, तो श्रीलंका में इसका 4 करोड़ के लगभग इसका बनाने में इसका आया।
कहा जा रहा है कि सूर्यांशी 2 पर्यटक पैकेज। अच्छा, ये सब कितना पर्यटक पैकेज देगा, कहाँ से, कदमकुडी से, एर्नाकुलम, ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका नाम याद रखिए, सूर्यांशु केरल। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किसको, तो तृणमूल कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। या कांग्रेस पार्टी से नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। वहीं आयोग ने 4 राज्यों में, मतलब कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में और गुजरात में, इसका राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा से आम आदमी पार्टी अब क्या हो गया है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितना है, तो केवल 6 है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको माकपा और उसके बाद बसपा, बहुजन समाज पार्टी, NCP मतलब कि नेशनल पीपुल्स पार्टी, और आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल का पार्टी है, मतलब कि अब वर्तमान में 6 है। और राज्य स्तरीय पार्टी का भी जो दर्जा मिला है, तो त्रिपुरा के टिपरा मोथा पार्टी को ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, और मेघालय के वॉइस ऑफ पीपल पार्टी को, उसके बाद में नागालैंड के लोक जनशक्ति पार्टी के जो रामविलास पासवान का। यूरेनियम के नए समस्थानी की खोज, जापान के भौतिक विदों ने, मतलब कि कहाँ, तो जापान में परमाणुओं का अध्ययन करने वाले के समय यूरेनियम के एक नए समस्थानी की खोज की है। इसकी परमाणु संख्या 12 है और द्रव्यमान संख्या इसका 241 है। इसकी पहचान यूरेनियम 241 के रूप में की गई है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछा जाएगा। सैद्धांतिक गणना से पता चलता है कि इस नए समस्थानी की अर्धवायु जो है कितना है, तो 40 मिनट की हो सकती है। कृषि ड्रोन सब्सिडी गरुड़ एरोस्पेस, चेन्नई स्थित जो है गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। इसके तहत पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में 8 किसानों को गरुड़, मतलब कि जो ड्रोन है, यह प्रदान किया गया। याद रख सकते हैं कहाँ का है, तो चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस। कृषि और किसान कल्याण, थोड़ा धुंधला आया है सब पिक्चर, चलिए पढ़ दे रहे हैं फिर भी देख लीजिएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि ड्रोन की लागत का 100%, अच्छा लागत का 100% इसमें सब्सिडी दिया जाएगा, इसको याद रखिए। आगे जो है कुनफर पीरा सुरंग, ये मतलब कि कुनफर पीरा, ये याद रखिए कि जम्मू कश्मीर में इस सुरंग का नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किए हैं। जो 3 कॉरिडोर बनाया जाएगा, 35,000 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर रामबन बनिहाल और जम्मू कश्मीर के उधमपुर रामबन बनिहाल और आगे श्रीनगर तक के पहले कॉरिडोर का, श्रीनगर से बनिहाल तक का ये क्या किया जाएगा, तो श्रीनगर से बनिहाल तक है इसका सेक्शन शामिल है इसमें। तो पहली सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस जो है रैपिड एक्स, इसका नाम ये बस यही याद रखिए रैपिड एक्स। पूछा जाए पहली सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है कहाँ, तो ये इसका जो नाम है ये रैपिड एक्स है। दिल्ली NCR मतलब कि NCR मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन जो होता है दिल्ली के आसपास का, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के में, भारत में पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस की रैपिड एक्स नाम दिया है। या दिल्ली के, दिल्ली को मेरठ, अलवर, पानीपत सहित NCR से क्या करेगा, तो ये जोड़ने का काम करेगा। 182 किलोमीटर इसका रफ्तार है प्रति घंटा। भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ये तेलंगाना में किया गया है, के चंद्रशेखर राव ने ऐतिहासिक हुसैन सागर झील के किनारे, ये भी पूछा जा सकता है, तो हुसैन सागर झील के किनारे 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से 3 से 4 कहाँ, तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा ऐतिहासिक हुसैन सागर झील के किनारे, कितना, तो 125 फीट ऊंची किसका है, तो ये कांस्य के प्रतिमा है, किसका है, तो अंबेडकर जी का है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से एक पुरस्कार की भी घोषणा किया गया है, यहाँ पर एक पुरस्कार की भी घोषणा किया गया कि पुरस्कार के 51 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है और प्रतिवर्ष इस पर जो है 3 करोड़ पुरस्कार जो है दलित कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा यह वहां भेजा गया। कहा जा रहा है कि 1900 इस पर खाद के साथ, मतलब कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कहा जा रहा है कि स्थापना 1961 में, 36 सदस्य देश इसमें शामिल है, इसका मुख्यालय रोम इटली में है, तो यहाँ पूछा जाता है विश्व खाद्य मुख्य संगठन का मुख्यालय जो है रोम इटली में, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AII ने अबू धाबी में ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम ऑपरेशनल हब बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो इसके पहले विदेशी कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। इसका विदेशी कार्यालय कहाँ, तो अबू धाबी में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का।
आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुलेगा? तो ये तंजानिया में खुलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास जंजीवार तंजानिया में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा या अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला आईआईटी होगा? यह अफ्रीका में कहा जा रहा है, लेकिन इससे पहले आईआईटी दिल्ली द्वारा कहाँ था? अबू धाबी में। यूएई में किसके द्वारा था? आईआईटी खगर अबू धाबी में, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी दिल्ली के द्वारा अबू धाबी में और संयुक्त अरब अमीरात में, और आईआईटी खड़गपुर ने मलेशिया को अपना परिसर स्थापित करने की पुष्टि की। इससे पहले भी दो जगह पर यह हो चुका है। भारत के पहली हरित विमान ईंधन उत्पादन इकाई, सॉरी सॉरी सॉरी, वीडियो कुछ समय के लिए पॉज हो गया था, ठीक है, जो शूट बना रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पढ़ा दिए होंगे तो एक बार और देख लीजिए, मुझे ध्यान नहीं है कि कहाँ तक ये पॉज हो गया था, तो एक बार और इसको आईसीसी अवार्ड से बता दे रहे हैं। अगर नहीं पढ़ाए हुए थे तो कोई बात नहीं, अगर बता दिए होंगे तो दोबारा थोड़ा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा कि भारत के स्टार क्रिकेटर बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, दोस्त आ जाता है तो। खराज भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना है, किसके द्वारा चुना गया है? तो आईसीसी ने किसे, तो T20 का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसे, तो सूर्य कुमार यादव को चुना है। वहीं महिला में देखा जाए तो तहलिया मैकग्रा जो ऑस्ट्रेलिया की है इसे चुना गया है। अन्य पुरस्कार के रूप में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, ये इंग्लैंड के है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो सर गारफील्ड सोबर्स को दिया गया। अगर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम ओडीआई का, ओडीआई में सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाले को। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर अगर पूछा जाए तो नेट सीवर इंग्लैंड की है। इमर्जिंग क्रिकेटर प्लेयर अगर पूछा जाए पुरुष में तो मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका के हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में पूछा जाए तो रेणुका सिंह भारतीय है, इसलिए इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है। इसके बाद में एक और याद रखिए कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ये आसिफ शेख जो नेपाल के हैं इसे प्रदान किया गया। अंडर 19 जो महिला T20 विश्व कप हुआ ये पहली बार इसका आयोजन किया गया 14 से 19 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में, पहला संस्करण था। इसमें कुल टीमें 16 टीमें भाग ली और 41 मैच खेला गया। भारत विजेता उप विजेता अगर इंग्लैंड इसमें रहा। भारत टीम का कप्तान शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रीवेंस रही, सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच तितास संधु रही, ये भारतीय हैं। अंडर 19 में कहा जा रहा है कि 7 विकेट से हरा करके ये जीता है, इंग्लैंड को भारत 7 विकेट से हरा दिया। और महिला T20 ये सीनियरों का तो है, होता है, ठीक है, इसमें 8वां संस्करण है, ये दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ। इसमें 10 टीम भाग ली, उसमें कितने टीम था, 16 टीम भाग ली थी, इसमें 10 टीम। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हरा करके, दक्षिण अफ्रीका की कितने रन से, तो 19 रन से हरा करके ये विश्व कप खिताब जीता है। ये 6ठी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इससे पहले 2010 में, 12 में, 14 में, 18 में, 20 में, तो 20 में जो अंतिम बार हुआ था उसके बाद में अभी 23 में हुआ है, तो 7वां संस्करण था ये, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा करके बना हुआ था विश्व कप का। ये 7वां संस्करण था 2020 वाला, पहला संस्करण 2009 में हुआ था। पहला संस्करण 2009 में जो हुआ था इसमें विजेता कौन रहा था, बता सकते हैं? चलिए इसका आगे का पॉइंट देखते हैं, ये आप लोग बताइएगा किसका विजेता कौन था, ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क दे दिए हैं। आगे जो है, गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब कि इसलिए गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सॉरी, मतलब कि टूर्नामेंट में सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन इसमें महिला T20 वर्ल्ड कप में, इसलिए गार्डनर 110 रन और 10 विकेट ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और जबकि बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब कि मैच में, मतलब कि जो फाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन, बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर है। दक्षिण अफ्रीका के लिए पहला आईसीसी विश्व कप फाइनल था, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका के लिए पहला फाइनल था। इसके आगे जो दिया जा रहा है, रणजी ट्रॉफी 2023, तो रणजी मतलब कि 100 रन बनाओ, कैसे बनाओ, 100 रन बनाओ, मतलब कि रन रन के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि रन बनाओ, कितना बनाओ, तो कम से कम 100 रन बनाओ, चाहे गाल करके ही, मतलब कि बेईमानी करके ही बनाओ, लेकिन बनाओ तब जा करके तुमको जीत मिलेगा, ठीक है। इसमें एक ट्रिक था, याद रखिए कि रणजी ट्रॉफी का फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। यह 100 राष्ट्र, मतलब कि 100 इसमें आ रहा है, तो 100 राष्ट्र ने, मतलब कि हम लोग गाल करके, मतलब कि 100 रन बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया, कितना था, 9 विकेट से। विजेता पूछा जाए तो कौन, तो 100 राष्ट्र इसमें विजेता, उप विजेता बंगाल। इसके 3 सीजनों में ये, मतलब कि पिछले 3 सीजन में दूसरी बार, मतलब कि 100 राष्ट्र के द्वारा ये चैंपियन बना है। पहले इसका सबसे पहले, मतलब कि 2019-20 में बना हुआ था। 100 राष्ट्र के कप्तान अगर पूछा जाए तो जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन, तो मैच फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जयदेव उनादकट, और जबकि अर्पित वत्सवदा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ये नाम याद रख सकते हैं,
अर्पित वसुधा, ईरानी कप, तो ईरानी रानी पहले मतलब अब तो रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब कि शेष भारत में, अब तो रानी का प्रचलन खत्म हो गया, तो याद रखिए शेष भारत है, मतलब कि शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया में ये सब मतलब कि देखने को मिलता था ईरानी। अब तो रानी मतलब कि रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने किसे, तो रणजी को मतलब कि रणजी ट्रॉफी 2000 मध्य प्रदेश को मतलब कि किसे हरा, रणजी ट्रॉफी होता है ये क्रिकेट का है, तो मध्य प्रदेश को 238 रन से शिकस्त दी। ईरानी कप 2022-23 में फाइनल का आयोजन कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ, तो ग्वालियर में हुआ। पूछा जा सकता है लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा किसने इसका विजेता रहा है और किसको हरा करके, तो शेष भारत इसका विजेता और मध्य प्रदेश इसमें उप विजेता ईरानी का। यशस्वी जायसवाल इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, कौन थे यशस्वी जायसवाल, पिछली बार भी रेस्ट ऑफ इंडिया ने ही यह कप क्या है तो जीता हुआ था। नेत्रहीन महिला क्रिकेट, कहा जा रहा है कि द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने भारत की पहली महिला की नेत्रहीन क्रिकेट टीम की घोषणा की है, यानी कि पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की घोषणा की है जो नेपाल के खिलाफ 25 से 30 अप्रैल 2030 तक आयोजित द्विपक्षीय श्रृंखला में प्रतिनिधित्व किया। इसमें नेपाल जीता गया 3-1 से, मतलब कि 3 मैच मतलब कि नेपाल के द्वारा इसमें जीत लिया गया। इस T20 द्विपक्षीय श्रृंखला में मध्य प्रदेश की सुषमा पटेल, मतलब कि इसमें जो कौन कौन शामिल था, तो मध्य प्रदेश की सुषमा पटेल कप्तान, कर्नाटक की गंगा वप्पा निलंबा हरिजन को उप कप्तान बनाया गया था। कहा जा रहा है कि 17 सदस्यीय नेत्रहीन टीमों के लिए T20 द्विपक्षीय श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा वाली पहली भारतीय महिला टीम के रूप में क्या हो गया है, तो इतिहास में यह दर्ज हो गई है। क्रिकेट प्रशासन के लिए नियम, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में खत्म हो जाएगा। क्रिकेट प्रशासन के लिए नियम, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट प्रशासन के नए नियमों के एक सेट तैयार किया है जो 1 जून 2023 से लागू होगा। इस पर मतलब कि इस पर मैच भी हो गया है, इसके बारे में बताते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। तो सौरव गांगुली की अध्यक्षता में पुरुषों के क्रिकेट समिति की इसकी सिफारिश की है। ये जो हुआ था 1 जून से इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में हुआ था, ये जून से शुरू 4 दिवसीय, मतलब कि जो टेस्ट मैच होता है 5 दिन का होता है, लेकिन अब ये 4 दिवसीय ही है जो लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया नए नियम से। तो इसमें ये सब याद रख सकते हैं। इसमें जो देखिए विजेता रहा कौन रहा, तो इसमें जो विजेता बना है ये इंग्लैंड बन गया है, लेकिन देखिए इंग्लैंड जो था ऐसा जो था कि मतलब कि एक बार 85 रन पर ही ढेर हो गया था, तो 112 साल का रिकॉर्ड मतलब कि इंग्लैंड का था, 112 साल के बाद ऐसा हुआ है जो 85 रन पर ढेर हो जाने के बाद भी मतलब कि मैच को जीत लिया। और 38 रन पर क्या हुआ कि एक इंग्लैंड भी हारेगी, मतलब कि आयरलैंड 38 रन पर ही ढेर हो गया। दो दो इनिंग था, अलग इनिंग था, इसमें 143 रनों से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड इसमें जीत दर्ज किया। इसमें कहा जा रहा है कि अब ये नया जो नियम होगा, तो नए नियम के अनुसार इसमें जो है कि अब कहा जा रहा है कि अंपायर को थर्ड अंपायर का जो सॉफ्ट सिग्नल था, मतलब कि अंपायर को लगता था कि आउट है या नहीं आउट है, ये थर्ड अंपायर के जाने से पहले अपना एक सॉफ्ट सिग्नल देता था, आप लोग जानते ही होइएगा मैच के बारे में अच्छी तरह से। तो सॉफ्ट सिग्नल को अब क्या कर दिया गया है, तो इसको समाप्त कर दिया गया है, अब थर्ड अंपायर ही स्वतंत्र है, वो अपने रूप से दे सकते हैं कि प्लेयर आउट है या नहीं आउट है, ठीक है। इसके बाद एक और नियम किया गया है कि बल्लेबाज को गेंद का सामना कर रहा है, अब तेज गेंदबाज का कोई बल्लेबाज सामना कर रहा है तो विकेट कीपर को हर हाल में अब हेलमेट पहनना ही जरूरी है, और जो प्लेयर जो होता है, जो मान लिया जाए कि बैट्समैन यहाँ से बैटिंग कर रहा है, आसपास देखते हुएगा प्लेयर आ जाता है, तो जो आएगा सब प्लेयर को क्या करना होगा, हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। तीसरा नियम, अगर गेंद, इसमें जो तीसरा नियम है, अगर गेंद जो फ्री हिट मौके पर विकेट से टकरा गया, तो इसमें बल्लेबाज के द्वारा जो रन लिया जाएगा, और तो ये बल्लेबाज को मतलब कि माना जाएगा कि बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया रन है, इससे बल्लेबाजी करने वाली टीम को बढ़त मिलने की क्या है तो संभावना है, कल जो बताएंगे आईपीएल 2023, ठीक है। तो रहने दे रहे हैं इतना ही तक, बताइएगा कैसा लगा आप सबके। इससे पहले 2 क्लास करा चुके हैं, नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।